आप सब लोगों को नमस्कार। आज दिल्ली सरकार का फाइनली बजट पेश किया गया, 9th बजट आम आदमी पार्टी का। और हमने अपने परमानेंट फाइनेंस मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी को बहुत मिस किया, पूरी दिल्ली ने मिस किया उनको। पूरी दिल्ली को आदत पड़ गई थी उनके बजट को सुनने की। उनकी अनुपस्थिति में कैलाश गहलोत जी ने जो बजट पेश किया वो बहुत शानदार बजट है, और मैं कैलाश गहलोत जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने जिस किस्म का बजट दिल्ली के लिए पेश किया, इस बजट में सबके लिए कुछ ना कुछ है। हर तबके के लिए, गरीब अमीर, आदमी औरत, सबके लिए, हर वर्ग के लिए, हर आयु के लोगों के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ है। सबसे पहली बात कि दिल्ली, सभी सर्वे ये दिखाते हैं कि पूरे देश में सबसे कम महंगाई दिल्ली के अंदर है, और उसका कारण है कि दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों को कई सारी चीज़ें मुफ्त में मुहैया कराती है। बिजली मुफ्त है, पानी मुफ्त है, शिक्षा मुफ्त है, स्वास्थ्य मुफ्त है, महिलाओं के लिए बस का सफ़र मुफ्त है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इतनी सारी चीज़ें मुफ्त मुहैया कराने के लिए जाहिर तौर पे पैसे की ज़रूरत होती है। बाकी सरकारें कुछ भी मुहैया नहीं कराती मुफ्त, फिर भी वो सरकारें घाटे में चलती हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार इतनी सारी चीज़ें मुफ्त मुहैया कराती है, फिर भी आम आदमी पार्टी की सरकार फ़ायदे में चलती है। आज भी घाटे का बजट प्रेजेंट नहीं किया, नफ़े का बजट ही प्रेजेंट किया है, नेट नेट हरा ही बजट है। तो जितनी मुफ्त चीज़ें थी वो सारी जारी रखी गई हैं, जिससे एक आम आदमी को दिल्ली के अंदर महंगाई से जो राहत है वो जारी रहेगी। दूसरा, भ्रष्टाचार के खिलाफ जितने कदम पहले से उठाए जा रहे थे वो सारे जारी रहेंगे। जैसे जितनी फेसलेस सर्विसेज हैं, वो फेसलेस सर्विसेज जितनी हैं वो जारी रहेंगी, और उनको एक एक करके और अन्य डिपार्टमेंट्स में भी लागू किया जाएगा। जो डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज हैं, जिसकी वजह से दलालों से लोगों को छुटकारा मिला, वो सारी डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज भी जारी रहेंगी। पिछले वर्षों में ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की की गई। जैसे आज बताया गया कि 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी तो मेट्रो का केवल 193 किलोमीटर्स का नेटवर्क था, और लगभग 140 के करीब स्टेशन वो थे, मेट्रो स्टेशन। ये बढ़ के 7-8 साल के अंदर 390 किलोमीटर पहुंच गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया, और स्टेशंस 286 हो गए, मेट्रो स्टेशंस। सो जो हम लोगों ने इतने साल में पहले अचीव किया था, 17 साल में उसके पहले, वो मात्र 8 साल के अंदर अचीव किया। 2015 में दिल्ली में बसों की संख्या 5600 थी, ये बढ़ के 7389 हो गई। और पिछले साल बजट में हमने, अक्सर बजट में अनाउंसमेंट्स होते हैं, लागू नहीं किया जाता, हमने अनाउंस किया था कि दिल्ली को तिरंगों का शहर बनाएंगे। आज दिल्ली में आप कहीं चले जाइए, 500 बड़े बड़े तिरंगे लगाए गए हैं। जहाँ भी जाते हैं आप तिरंगे देखते हैं, आपके अंदर देशभक्ति की भावना जागती है। दिल्ली को वाकई तिरंगों का शहर बना दिया गया। ये बजट है साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली बनाने के लिए। अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में पिछले बजट्स में काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स किए गए, वो इन्वेस्टमेंट्स जारी रहेंगे, उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। लेकिन ये वाला बजट है जो साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली, कैपिटल सिटी है हमारी, लोग आए तो उनको लगना चाहिए कि एक महान देश की राजधानी में गए हैं। उसके लिए इस बार इस बजट में देयर इज़ अ ह्यूज 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 इंफ्रा पुश, बहुत बड़ा पुश दिया गया इंफ्रास्ट्रक्चर को। लगभग 21,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च किए जाएंगे इस बजट में। 2014-15 में जब जो बजट था वो 30,940 करोड़ का था,
आज 8 साल के बाद जो बजट है वो 78,800 करोड़ का बजट है। ये इसी वजह से हुआ क्योंकि दिल्ली में अब एक ईमानदार सरकार है, जो रेवेन्यू के लीकेजेज हैं उनको प्लग किए गए, जो एक्सपेंडिचर के लीकेजेज हैं उनको प्लग किया गया। देश 7% की रेट पे तरक्की कर रहा है, दिल्ली 9% के रेट पे तरक्की कर रही है। तो दिल्ली देश से ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रही है, ये दिल्ली के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ और दिल्ली के लिए गर्व की बात है। साफ सुंदर और आधुनिक दिल्ली, इसके लिए ये कोई एक स्लोगन नहीं दिया हम लोगों ने, इसके लिए स्पेसिफिकली 9 पॉइंट्स हैं, 9 एरियाज हैं, आइटम्स हैं जिसके ऊपर काम किया जाएगा। पहला, पीडब्ल्यूडी की 60 फुट से चौड़ी, पीडब्ल्यूडी की टोटल रोड दिल्ली के अंदर लगभग 1400 किलोमीटर है, ये सारी वो सड़कें हैं जो दिल्ली की 60 फुट से चौड़ी सड़कें हैं। तो दिल्ली की 60 फुट से चौड़ी सारी सड़कों को दिल्ली की, उनको साफ और सुंदर बनाया जाएगा। इसमें एक तो मैकेनिकल रोड स्वीपिंग डेली की जाएगी सारी सड़कों की, उसके लिए 70 मैकेनिकल रोड स्वीपर्स खरीदे जा रहे हैं। तो 70 मतलब एक असेंबली में एक मैकेनिकल रोड स्वीपर होगा या व्हाटएवर, वो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो डेली मैकेनिकल रोड स्वीपिंग की जाएगी। दूसरा, डेली सड़कों की धुलाई की जाएगी, फुटपाथ की धुलाई की जाएगी, सेंट्रल वर्ज की धुलाई की जाएगी, और दोनों तरफ जो भी पेड़ पत्ते होंगे उनकी धुलाई की जाएगी, और रेलिंग जो भी होगी उसकी धुलाई की जाएगी। इसके लिए लगभग, इसके लिए कई सारे वो खरीदे जा रहे हैं, ये एंटी स्मॉग और वाटर स्प्रिंकलर्स, और उसके अलावा एक एक वार्ड के लिए अलग अलग 250 वाट छोटे वाटर स्प्रिंकलर्स खरीदे जा रहे हैं, जो नगर निगम की सड़कों के ऊपर काम आएंगे। और ये लगभग 210 वाटर स्प्रिंकलर्स कम एंटी स्मॉग गन खरीदे जा रहे हैं, जो बड़े हैं, जो कि पीडब्ल्यूडी की सड़कों पे काम आएंगे।